अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी क्रीमी चिकन करी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं देगची में डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें साथ ही मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून बटर और उसको मेल्ट कर दूंगी। बटर मेल्ट होने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किए हुए 2 टमाटर। टमाटरों का मैंने छिलका उतार लिया था और अब इनको मैं पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से गल के पेस्ट बन जाए। ये देखें, यहाँ पे टमाटर गल गए हैं तो अब मैं इसमें डाल लूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा फ्राई करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 किलो चिकन और मैं चिकन को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे चिकन भुन गया है अच्छे से और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हसबे जायका, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, 1 कप डाल रही हूँ दही और 1 ही कप मैं डालूँगी इसमें क्रीम। क्रीम आप कोई भी टेट्रा पैक की यूज़ कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं चिकन को मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। अब यहाँ मैं इसमें 1 प्याली पानी डाल रही हूँ, 1 प्याली या 1 कप दोनों एक ही बात है। और अब मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी जब तक कि चिकन गल जाए अच्छे से। चिकन यहाँ पे गल गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। हरे धनिया के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप की हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 1 ही ली थी, आप चाहें तो अपने हिसाब में ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब मैं बस इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो अब देखें ये बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।